हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेस्पिरा सिरप के बारे में। ये खांसी के सिरप है और हम बात करेंगे कौन कौन से खांसी में इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या इसका डोज है और क्या इसका साइड इफेक्ट है। इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रेस्पिरा सिरप जैनो कंपनी की है और इसका MRP है 23 रुपीज़ के आसपास। अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। इसमें तीन प्रकार का मॉलिक्यूल डाला हुआ है। पहला है एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा है सल्बिटामोल सल्फेट और तीसरा है गोनीपेंसिल। दोस्तों, ये तीनों का बेस्ट रिजल्ट है इसमें। चलिए हम बात करते हैं इसके कौन कौन से खांसी के प्रॉब्लम इसको यूज कर सकते हैं। इस सिरप को हम खांसी में, बलगम वाली खांसी में यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, खांसी के साथ साथ जो सांस फूलने लगती है तो उसमें बेस्ट रिजल्ट है इसका, उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। या दम्मे वाली खांसी हो उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक्सपोरेंट सिरप है। कैसे भी खांसी हो, कफ वाली खांसी हो या गले में खराश, इसमें भी इसका बेस्ट रिजल्ट है ये सिरप का। दोस्तों, ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। अगर ना मिले तो अलग अलग कंपनी की आती है, बाकी साल्ट जो होती है मॉलिक्यूल एक ही होती है उसमें, तो आप देख लें। अगर दूसरी कंपनी की है तो ये साल्ट हो जो मैंने आपको बताया है, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड सल्बिटामोल और गोनीपेंसिल जो भी है, तो ये होना चाहिए उसमें, तो आप वो दूसरी कंपनी का सिरप ले सकते हैं। अच्छा रिजल्ट होता है, बस कंपनी का फ़र्क होता है। और दोस्तों, MRP जो है ऊपर नीचे हो सकती है, बल्कि ये सस्ती है महंगी थोड़ी सी हो सकती है जो आप लेंगे दूसरी कंपनी की। अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो वो भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, डोज कैसे इस्तेमाल करनी है। एडल्ट बड़े 10 ml दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। चाइल्ड को डॉक्टर से सजेस्ट लेके यूज़ करवाएं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ सावधानी के ऊपर। अगर ये सिरप का यूज़ करते हैं तो ये बात ध्यान रखें, सिरप पीने के बाद पानी का यूज़ ना करें, कम से कम आधा घंटे का गैप रखें, आधे घंटे बाद पानी पी सकते हैं। दूसरा, अगर कोई अल्कोहल लेते हैं तो उसमें इस सिरप का यूज़ ना करें। तीसरा, प्रेगनेंसी में भी इस सिरप का यूज़ नहीं कर सकते, यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर सजेस्ट जरूर लें। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। एलर्जी, स्टोमिक पेन, ड्राई माउथ, ये सब इत्यादि हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज हमारी वीडियो रेस्पिरा सिरप के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।